अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। आज हम बनाने जा रहे हैं बन कबाब, और इसके लिए हम सबसे पहले रेडी करेंगे हमारी कबाब, जो आप देख सकते हैं कि दाल आपको नज़र आ रही है, चने की दाल। ये आधा किलो दाल है जिसे 2 आवर्स के लिए भिगो दिया था। भिगोने के बाद अब इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे, तो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसमें जाएंगे हरी मिर्चें, 6 हरी मिर्चें। इसी तरह आपने साबुत डालनी है, 2-3 टुकड़े अदरक के आपने डालने हैं। साबुत चाहिए गोल वाली मिर्चें आपने डालनी है 10 से 12। 10 से 12 गोल वाली हरी मिर्चें डालनी है। लौंगे आपने डालनी है 10 से 12। 10 से 12 काली मिर्चें ऐड करनी है। अब इसमें बाकी के सारे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी चाहिए, 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करूंगी मैं लाल मिर्च, ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टीस्पून। ये सारे मसाले डाल के आपने पानी डाल के इसको पकने के लिए रखना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी एज़ रिक्वायर्ड। मेरे पास 1/2 kg है, तो आपने उस हिसाब से पानी डालना है जितनी आप दाल लेंगे, कि ये दाल जो है हमारी बिल्कुल गल जाए और सॉफ़्ट हो जाए, ताकि जब हम इसको पीसें तो बिल्कुल एक सॉफ्ट सब तैयार हो जाए मिक्सचर। पानी ऐड करने के बाद इसे पकने रखा है, पहले हाई फ्लेम पे रखा है ताकि इसमें जब बबल्स आ जाएंगे दैन फ्लेम स्लो करके इसको ढक देंगे, और साथ ही हम अपने आलू बॉयल करने के लिए रखेंगे। दाल बॉयल करने के लिए रख दी है। अब ये आलू हैं, जो कि आलू भी 1/2 kg के करीब हैं, और इनको भी कटिंग करके बॉयल करने के लिए रख देंगे ताकि आलू भी हमारे जल्दी से गल जाएं। जैसे ही फिर मसाला रेडी होता है आपको दिखाते हैं। दाल हमारी गल चुकी है, जिसे हमने अच्छे से पीस लिया है। आलू बॉयल हो चुके थे, दाल जो पीसी थी वो आलू के साथ रख दी है। इन सबको एक साथ मैश करेंगे सारे मसाले डालने के बाद। सबसे पहले इसमें ऐड करना है 2 मीडियम प्याज हैं और 6 हरी मिर्चें, जिनको एक साथ पीस लिया है, आप देख सकते हैं। इस तरह बिल्कुल बारीक पीस के इसमें ऐड करना है। 2 टेबल स्पून धनिया है और 2 टेबल स्पून चॉप्ड पुदीना है, दोनों को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये सारा मसाला इसमें ऐड होगा। अब हम सबसे पहले ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्चें दाल में भी डाली थी और आलू के अभी मिक्सचर में भी पीस के डाली हैं, तो आप मिर्ची अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन पाउडर 1 टीस्पून। नमक इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि दाल में नमक है, आलू में नमक नहीं है, तो इस हिसाब से 1 टीस्पून नमक आलू में ऐड करेंगे, यानी इस मिक्सचर में। ये सारी चीज़ें डाल के अब इनको अच्छे से आपने मिक्स एंड मैश करना है मैशर के साथ, ताकि आलू भी जो है वो हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए और दाल के साथ पूरा मिक्सचर रेडी हो जाए। मैश करते हैं और आपको दिखाते हैं। मसाला आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो रहा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 अंडा फेंट के, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी सॉफ्ट है। जब ये रेडी हो जाएगा मिक्सचर, देन हम इसको करेंगे फ्रिज में रखेंगे 1 आवर के लिए। कबाब का मिक्सचर जो है फ्रिज में रखा है 1 घंटे के लिए, तब तक हम इसकी चटनी तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 1/2 कप दही ली है, इसमें मैं ऐड करूँगी 3 हरी मिर्चें, ये आप देख सकते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून पुदीना, समझ गए आप, ये इस तरह से 2 टेबल स्पून मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी। डंडियों के साथ आपने यूज़ करना है धनिया पुदीना, इस तरह से। मसाले जो मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर मैं ऐड करूँगी, 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च मैं ऐड करूँगी, क्योंकि हरी मिर्चें भी हैं ऑलरेडी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक भी मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून, आप बाद में टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट करते हैं। और अब मैं इसको पहले मिक्स करूँगी, जब ये मिक्स हो जाएगा देन मैं इसमें ऐड करूँगी इमली का पल्प। कबाबें बना के रखती हैं, चटनी हमारे पिस गई, जैसा आपको दिखाया था। जैसे ही मसाला पिस गया था, मैंने इसमें 1/2 कप इमली का पल्प डाल के इसको और अच्छे से पानी डाल के ब्लेंड कर लिया है। अंडे मैंने अच्छे से फेंट लिए हैं, ताकि इसका बहुत अच्छा सा फॉर्मिक सा टेक्स्चर आ जाए। बन कबाब में प्याज ना हो तो मज़ा ही नहीं आएगा, तो ये
बिल्कुल पतली पतली सी लच्छेदार आपने प्याज कटिंग करके रखनी है। अब हम फ्राई करने जा रहे हैं कबाब, तो आपको दिखाते हैं। ये आपने एक बड़ा तवा लेना है, ठीक है। उसमें मैंने 3-4 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। अब जो अंडा था उसमें कबाब डिप करके आपने इसमें अच्छे से अंडे में कोट करके इसको फ्राई करना है। ये इस तरह से ताकि पूरा जो है ना कबाब अंडे में डिप हो। ये बहुत अच्छा सा इसका देख सकते हैं कलर आया है और अंडे की कोटिंग बहुत अच्छी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप भी जब बनाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से इसे प्रेस करना है जैसे बंद कबाब वाले करते रहते हैं हमारे यहाँ। कबाब मैंने अगेन दूसरी डाल के इसको फ्लिप किया और अपने ये जो बंस हैं इसको भी इसी के साथ सेकूँगी ताकि अंडे की और जो कबाब की जो खुशबू वो हमारे बन में अच्छे से आ जाए। अच्छे से आपने इसको कलर चेंज करना है, बस हमें पकाना नहीं है। ये आप देख सकते हैं इसका कलर, ये भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा इसका कलर आया है। दोनों साइड से इसको अच्छे से सेकना है और गरम गरम में ही हम इसे सर्व करेंगे, इसको रेडी करेंगे और आपको दिखाते हैं। अच्छा, जिस प्लेट में मैंने कबाबें रखी थी मैंने उसी में ही बन और कबाब दोनों को निकाल लिया। अब सबसे पहले ये जो सिके हुए बन है इस पर आप चटनी लगाएंगे, जो कि बन कबाब की चटनी रेडी की है दही और इमली के साथ। थोड़ी सी स्पाइसी भी हो तो सही है क्योंकि बर्गर फीके होते हैं, कबाब भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है तो चटपटी चटनी ज़रा अच्छी लगती है। अब इस पर ऐड करेंगे कबाब और इसको अच्छे से आपने प्रेस करना है। देन इस पर ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला छिड़केंगे क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है कबाब के साथ। चाट मसाला छिड़कने के बाद इस पर ऐड करेंगे जो हमने प्याज काट के रखी है स्लाइसेस में। प्याज आपने अच्छे से भर के ऐड करनी है और अब जो दूसरा पीस है बर्गर का उस पर भी चटनी लगाएंगे। चटनी तो आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है आपने कितनी लगानी, ज़्यादा या कम। और इसको बंद कर देंगे और ये हमारा बंद कबाब रेडी है। अब इसको फाइनल प्रेजेंटेशन आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं बड़ा यम्मी सा ज़बरदस्त सा हमारा बंद कबाब रेडी हो चुका है। कबाब भी रखी है, केचप रखी है, चटनी रखी है, सैलेड बना के रखा है। और आई होप आपको हमारा ये आज का क्विक सा मेन्यू पसंद आया होगा। बंद कबाब आप ये कबाब बना के भी रख सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, बट एक्चुअल मीनिंग जो है अंडे वाला बंद कबाब। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी रेसिपी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई ऐसी रेसिपीज आप देखना चाहते हैं जो हमारी प्लेलिस्ट में नहीं है तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए, हम ज़रूर बनाएंगे। नेक्स्ट रेसिपीज के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।